ओम शांति। बहुत अच्छी अनुभूति की ओम शांति भवन में। तपस्या ही आत्म शुद्धिकरण का एकमात्र उपाय। इसी तपस्या को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय भ्राता डॉक्टर सचिन जी। दिखने से ही पता चलता है बहुत छोटे हैं, लेकिन लास्ट सो फास्ट बाबा के बच्चे हैं। 10 से अधिक वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल में आप विशेष सेवाएं देते हैं और दादियों के अंग संग उनकी सेवाओं में आप तत्पर रहते हैं। मधुबन में तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप चलता है, आप उस ग्रुप को लीड करते हो और पुरुषार्थ पर आपका एक विशेष अटेंशन है। आज आपके मुखारविंद से हम इसी पुरुषार्थ और तपस्या में अपनी बढ़ोतरी करेंगे। आदरणीय भ्राता सचिन जी, ओम शांति। आज के इस सत्र की शुरुआत एक छोटी सी घटना से करते हैं। रूस के महान लेखक लियो टॉलस्टॉय ने अपनी एक कहानी लिखी है एक किसान के विषय में। यह एक दरिद्र किसान था। एक दिन एक सन्यासी उसके घर आता है। जब दोनों की बात चलती है तो सन्यासी उसे कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहां जाना चाहिए, साइबेरिया में, जहां पर जमीन बहुत सस्ती है। केवल सस्ती ही नहीं, हो सकता है तुम्हें मुफ्त में भी मिल सकती है। तो वो किसान रात भर सोचता है और निर्णय करता है कि सब कुछ बेचकर मुझे अब उस ओर चलना है, साइबेरिया की तरफ, और सब कुछ बेचकर जमीन जायदाद। वो पहुंचता है उस भूमि पर और जो उसने सुना था वो सत्य था। वहां के लोग उसे कहने लगे कि यहां पर भूमि खरीदने की बात मत करो, यहां तो भूमि तुम्हें मुफ्त में दी जा सकती है। कल सुबह से तुम जहां से भी दौड़ना चालू करोगे और सांझ तक जहां तक हो सके जमीन को घेरोगे, वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। तो दूसरे दिन सारा गांव एकत्र होता है और वह व्यक्ति अपनी दौड़ चालू करता है। रात भर सो नहीं सकता है क्योंकि रात भर सोचते रहता है कितना दौड़ू और कितना नहीं, क्योंकि जितना दौड़ू वो सारी भूमि मेरी होगी। सुबह पहुंचता है, दौड़ को आरंभ करता है, सोचता है चलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जितना अगर भागू उतनी जमीन मेरी होगी। पानी और अन्न भी साथ ले लेता है, सोचता है दौड़ते दौड़ते ही खाना भी खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा और अपनी दौड़ आरंभ करता है। भागता है और भागता है और भागता है और जितना भागता है उतनी ही मन में इच्छाएं और तीव्र होती है। धीरे धीरे सोचने लगता है कि पानी पीने के लिए भी क्यों रुकूं, दौड़ते दौड़ते ही पानी पी लूं, एक दिन की तो ही तो बात है,
सारी उम्र तो फिर पानी भी ना है, सोचता है फिर बाद में खाना भी, खाने के लिए क्यों रुकूं, खाना ही है तो दौड़ते दौड़ते ही खाना भी खा लूंगा, और भागता है और भागता है और हाँफता है और हाँफता है। और जब दोपहर हो जाती है, लगभग 12 बज जाते हैं, तो अब मन कहता है अभी लौट कर भी चलना है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले उसी स्थान पर पहुंचना है जहां से वो निकला था। परंतु जैसे ही संकल्प मन में उठता है, देखता है सामने की जो जमीन है वो बहुत ही सुंदर है, सोचता है थोड़ा और भागू, और भागता है और भागता है और भागता है, फिर धीरे धीरे अपना कोट भी उतार कर बाहर फेंक देता है, सोचता है इसके वजह से मेरी गति थोड़ी कम हो रही है, अपनी टोपी भी उतार कर फेंक देता है, और भागता है और भागता है और हाँफता है और हाँफता है। फिर रुकता है लगभग 1 बजे, सोचता है कि अब तो वापस लौट जाना चाहिए, परंतु सामने की जमीन बहुत ही उपजाऊ दिखाई पड़ती है, सोचता है थोड़ा और भागू, और भागता है और भागता है और हाँफता है और हाँफता है। फिर रुकता है, पर फिर देखता है सामने की जमीन और उर्वर जमीन है, उपजाऊ जमीन है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर सोचता है अब तो लौटा, अगर नहीं तो सूर्यास्त हो ही जाएगा, और फिर लौटना आरंभ करता है। अब उसे जल्दी है, अब उसे जल्दी पहुंचना है, क्योंकि थोड़े ही समय में सूर्यास्त होने वाला है। बहुत तेजी से भागता है और भागते जाता है। एक समय आता है कि गांव वाले दिखते हैं उसे, सोचता है बस पहुंचा कि पहुंचा, सूर्यास्त अभी होने ही वाला है, सूर्य की वह कोर अभी क्षितिज को स्पर्श करने ही वाली है, बस थोड़ी ही जमीन बाकी रहती है जहां से उसने शुरुआत की थी वहां तक, कुछ ही गज की दूरी पर, और अपनी गति को इतनी तीव्र करता है और अंत तो गतवा जोर से गिरता है, परंतु उस लकीर को स्पर्श नहीं कर सकता, उधर सूर्यास्त हो जाता है और वह इधर गिरता है और मर जाता है। गांव के लोग कहते हैं, ये रोज की कहानी है, न मालूम कहां कहां से यहां पागल एक आ ही जाता है, और आज तक ऐसा कोई नहीं आया कि जो सारी जमीन घेर सका। उस किसान की जो कहानी है वो मनुष्य की कहानी है। मनुष्य भी अपने जीवन में क्या कर रहा है, भाग ही रहा है और भाग ही रहा है। आपको क्या लगता है वो मनुष्य की ऐसी गति क्यों हुई, क्यों वो मर गया और क्यों प्राप्त नहीं कर पाया अपनी मनोवांछित जमीन को, क्या कारण हो सकता है? मोह, लोभ, एक कारण है लोभ, दूसरा लोभ लालच आसक्ति मोह, एक दूसरा बताओ, इच्छाएं बहुत ज्यादा है। मनुष्य उच्चाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है, इच्छाएं अपूर्ण नहीं रह जाती है, इच्छाओं की तृप्ति में, इच्छाओं की पूर्ति में सारी जिंदगी भागता रहता है, परंतु हाथों में उसके कुछ नहीं आता। और भी कोई कारण, कौन सा स्वार्थ, वो तो लालच हो गया, जजमेंट पावर नहीं आई, कब लौटना है, चलो मान लिया लालच है, इच्छाएं बहुत है, परंतु एक समय था अगर वो उचित समय पर लौट आता तो शायद पहुंच जाता, तो वो पावर उसमें नहीं आई। तो मनुष्य की ये कहानी है कि वो दौड़ते रहता है जीवन की इस अनंत यात्रा में, भाग ही रहा है और भाग ही रहा है, उसे पता ही नहीं कहां भाग रहा है, सूर्यास्त भी होने वाला है, परंतु उसकी चाहना है आगे की जमीन और सुंदर है, आगे की जमीन और उपजाऊ है, उसे बस वो थोड़ा सा ही लेना है। मनुष्य का भागना उसका मन का भागना है। आज की जो हमारी चर्चा है वो मन को जीतने पर है,
मन को कैसे जीते या फिर मन को कैसे वश में करे, मन को कैसे अपने नियंत्रण में लाए। यह अनियंत्रित मन भाग ही रहा है और भाग ही रहा है और भाग ही रहा है, कहां जा रहा है उसे पता नहीं। उसकी ये दौड़ अहंकार की दौड़ है या फिर उसकी इच्छाओं की दौड़ है, कौन सी दौड़ है उसे खुद ही नहीं पता। तो हमारा जो आज का विषय है वो है जो मन को जीतते हैं, मन जीते सो जगत जीत। इससे पहले कि हम इस विषय की चर्चा करें, हमें मन को समझना होगा। सबसे पहले तो मन का स्वभाव क्या है, इसको जब तक नहीं समझते तब तक मन को कैसे जीते ये नहीं समझा जा सकता है। तो इस चर्चा को हम कुछ विषयों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला मन का स्वभाव, दूसरा वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिस वजह से हम इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं मन को नहीं जीत पा रहे, और जब तक मन को नहीं जीतेंगे इस संसार को नहीं जीत सकेंगे। वो कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से हम मन को नहीं जीत पा रहे, और तीसरा है ऐसी कौन सी वो विधि है, मेथडोलॉजी, ऐसे कौन से वो मार्ग है, ऐसी कौन से वो प्रयत्न हम करें कि जिसकी वजह से हम, जिस कारण से हम मन को जीत सके। तो सबसे पहला मन का स्वभाव। सभी ने सुना है मन बहुत ही कैसा है, चंचल है, अति चंचल है। उसकी तुलना कोई पिशाच से करते हैं तो कोई घोड़े से करते हैं तो कोई हवा से करते हैं। गीता में भी लिखा है चंचलम मन कृष्ण, अर्जुन कहता है हे गोविंद मेरा मन अति चंचल है, इसको वश में करना वैसा ही असंभव है जैसे कि वायु को वश में करना, मैं क्या करूं, ऐसा प्रश्न पूछा है। मन पारे मिसल है, पारे मिसल बिखर जाता है, भूत पिशाच की तरह है, एक पक्षी की तरह है जो उड़ता है। मन की कई सारी उपमाएं दी गई है। मन उस मरकट की तरह है, मरकट अर्थात बंदर। स्वामी विवेकानंद ने कही मनुष्य के मन की उपमा दी है, मनुष्य का मन उस बंदर की तरह है जो कि पागल हो चुका है। बंदर पहले से ही चंचल है, अब ये बंदर क्या हो गया है, पागल हो गया, और उसे फिर किसी एक बिच्छू ने आके काटा। इतना ही काफी नहीं था, फिर उस बंदर को किसी ने शराब पिला दी। इतना ही काफी नहीं था, फिर एक प्रेत आत्मा उस बंदर में प्रवेश कर गई। अब ये जो अवस्था है उस बंदर की, यही मनुष्य का मन है, अब करो इसे वश में। ऐसा यह कठिन दुभर कार्य है, मन को वश में करना सबसे बड़ा विषय रहा है, सबसे कठिन विषय रहा है। योगी तपस्वी महात्मा, त्यागी तपस्वी उदासी सन्यासी, सभी ने इसे वश में करने का प्रयत्न किया। जिस जिसने इसे वश में प्रयत्न करने का प्रयत्न किया, मन उतना ही इच्छा और वासनाओं से आंदोलित हुआ और कोई इसे वश में नहीं कर पाया। क्या है ये मन और कहां है ये मन, समझ ही नहीं पाता है मनुष्य। इतने उसमें जैसे कि उसकी चर्चा ही हम करेंगे, पहले मन के स्वभाव को हम समझ ले। तो मनुष्य का मन जो है वो अति चंचल है, आज यहां तो कल वहां, अतृप्त है। उसमें उछलने वाली इच्छाएं जो है उनका स्वभाव ही अतृप्ति है, दुष्पूर है। हिंदी में एक शब्द है दुष्पूर, दुष्पूर अर्थात ऐसा जो कभी भी तृप्त ना हो, कितना भी उसे मिल जाए कितना भी वो पाले फिर भी वही अतृप्ति, वही असंतुष्टता, वही अतृप्त का अतृप्ति की वह मनोदशा कायम रहती है। इस मन को वश में करने से पहले ये मन किस तरह कार्य करता है और कैसे हमें हराता है और कैसे हमें छलता है और कैसे हमें पराजित करता है, इसको समझना आवश्यक है।
इस मन के विषय में जैसे हमने कहा, सदियों से मनस्वियों ने और मनस्विदों ने इस पर बहुत खोजे की है और मन के कुछ नियमों को खोजा है। मन किस तरह कार्य करता है? पहला नियम, जिस चीज को आप मन को मना करो वो वही चाहता है, जिस चीज का निषेध करो वो वही चाहता है, जिस चीज का विरोध करो उसे वही चाहिए। पाश्चात्य जगत में मनोविज्ञान के जो पितामह है सिगमंड फ्राइड, उसने अपने ही जीवन की एक घटना लिखी है कि एक दिन वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ किसी बगीचे में घूमने गया। सारे दोपहर से शाम तक घूमे, शाम का समय हुआ, बगीचा बंद करने का समय हुआ, पता चला कि बेटा कहीं गुम हो चुका है। सिगमंड फ्राइड अपनी पत्नी से कहता है वो कहां गया? वो कहती है मुझे पता नहीं कहां गया, बहुत ढूंढा नहीं मिला, अभी द्वार बंद ही होने वाले है परंतु वो मिल नहीं रहा। फ्राइड अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने उसे कहीं न जाने के लिए कहा था? वो कहता है हाँ। वो कहती है हाँ, मैंने उसे कहा था फव्वारे के पास नहीं जाना। वो कहता है कि जाओ और वो वही होगा। उसकी पत्नी जाती है और देखती है कि छोटा बच्चा फव्वारे में, वो पानी में वहां पर बैठा हुआ है, पैर नीचे डालकर खेल रहा है पानी से। उसकी पत्नी कहती है कि तुमने कैसे जान लिया कि वो वहां होगा? वो कहता है कि मैंने तो जान लिया परंतु मनुष्य जाति इस नियम को नहीं जान पाई है। जितना ही मन को कहो कि ये नहीं करो, उसमें वो इच्छा और तीव्र हो जाती है क्योंकि वहां दमन होता है। अगर मन को सीधा सीधा कहे कुछ ये नहीं करना है तो वहां थोड़ा सा सप्रेशन होता है, और जहां सप्रेशन है, जहां दमित भावनाएं और दमित वासनाएं और दमित काम विकार है, अवसर मिलते ही वो बाहर निकलेगा, ऐसी सुनामी की तरह निकलेगा कि ज्ञान और योग के जो भी छोटे छोटे गांव हमने बसा रखे हैं सब कुछ बह जाएंगे। इसके लिए ये एक नियम को समझना है। दूसरा एक नियम, जैसे हमने कहा दमन, पहला निषेध विरोध, फिर है दमन। यदि मन को दबा दिया जाए, मन की इच्छाओं को और तृष्णाओं को, तो वह अवसर ढूंढती है बाहर निकलने का। इसके लिए दमन नहीं करना है। ब्राह्मण आत्माओं के मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जिनका दमन हो चुका है, आते ही मुरली सुनी और मुरली की बातें सुनी, उनको बिना समझे जबरदस्ती, बिना समझे और जबरदस्ती फॉलो करने लग गए, तो वो सारा अंदर ही अंदर जमा होते जाता है और एक दिन बाहर निकलता। जैसे एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति था, इतना क्रोधी कि एक दिन क्रोध में आकर उसने अपनी पत्नी को भी मार दिया, कुएं में फेंक दिया, और उसके बाद पर फिर पश्चाताप करने लगा और सोचा कि अब इस क्रोध का क्या करूं, और फिर अब मेरे हाथों ऐसी बड़ी घटना हो गई, सोचता है कि अभी मैं क्रोध के इस मार्ग को छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा, और ऐसे ही किसी गुरु के पास जाता है और कहता है कि मुझे दीक्षित होना है, मुझे संन्यास लेना है। गुरु कहता है ठीक है, और उसका शिष्य बन जाता है। अब ये जो उसका क्रोध था, जो इतना ज्यादा था क्रोध, सारा गांव उसके क्रोध से परिचित था, एक क्षण में वो कहता है कि मैंने आज से क्रोध छोड़ दिया, परंतु वो छूटा नहीं है, केवल जैसे कि उसने मार्ग बदला है और वो इधर शिष्य बनता है। शिष्य भी ऐसा बनता है कि बाकी शिष्य अगर दो बार खाना खाते हैं तो एक ही बार खाता है, बाकी शिष्य यदि सीधे रास्ते से चलते हो पत्थर वाले रास्ते से, कांटे वाले रास्ते से चलता है। यहां पर उसकी साधना, जैसे वो क्रोध में तीव्र था, अब साधनाओं में तीव्र होने लगा। धीरे 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 उसकी ख्याति इतनी फैलती है, वो अपना नाम भी रखता है शांतिनाथ, मुनि शांतिनाथ। पहले था क्रोधी, अभी नाम रखता है शांति। परंतु जो कुछ वो कर रहा है एज इफ सप्रेशन, सब कुछ दमन हो रहा है। वहां वो क्रोध में तीव्र था, अब उसने लक्ष्य रखा कि मैं इस
शरीर को तपाने में, शरीर को दुर्बल करने में, क्योंकि जितना ही वो शरीर को कष्ट देता था उसकी ख्याति और फैलती थी और लोग उसके पास आते थे। अब गुरु को भूल गए, उसके पास आते थे। एक दिन देखते ही देखते बहुत बड़ा जैसे साधु बन जाता है, और एक दिन उसका एक मित्र उस गांव में आता है जिस दिन वो ठहरा है। उसको उसके मित्र जब दूर से देखता है तो उसको लगता है ये तो वही है मेरा मित्र जो इतना क्रोध करता है और अभी ये तो साधु बन गया। वो कहता है देखू तो जरा कि क्या ये वही है। और वो मित्र उसके पास जाता है, पहले तो जो क्योंकि तख्त पर बैठा है तो पहचानने से मना करता है। व्यक्ति जब तख्त पर बैठता है तो जो पुराने मित्र संबंधी है उसको पहचानने से उनकी महिमा थोड़ी कम होती है उससे, तो वो पहले तो मना करता है। और जो मित्र उससे पूछता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, तो उसको हल्का सा क्रोध आता है कि क्या तुमने अब तक मेरा नाम नहीं सुना, क्या अखबार नहीं पढ़ते और रेडियो नहीं सुनते। तो वो क्रोध तो आता है परंतु रोकता है स्वयं को। कुछ यहां वहां की बातें चलती है। वो मित्र फिर उससे पूछता है क्या मैं आपका नाम भूल गया हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है। वो क्या कहता है, अभी अभी तो बताया तुमको कि मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। क्रोध और ज्यादा बढ़ गया और यहां वहां की बातें चलती है। और फिर वह व्यक्ति फिर से पूछता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। अब तो वो अपना डंडा बस लेके उसको मारने को ही रहता है। कहता है बस आदमी वही है, आदमी वही है, संन्यास तो ले लिया है और गुरु बन गया है, परंतु इच्छा है उसका जो स्वभाव था वह परिवर्तन नहीं हुआ है। व्यक्ति अगर क्रोधी है, व्यक्ति अगर लड़ता है किसी से, पहले उधर लड़ता था, जब भक्ति में प्रगति करता है तो फिर शास्त्रार्थ करता है, एक दूसरे को हराता है शास्त्रों में, और जब इधर ज्ञान में आता है वही अहंकार अगर वहां था तो यही वहां पर भी कायम रहता है। फिर हम ही जानते हैं बस, अगर कोई आ जाए भक्त हमारे पास कोर्स करने, हम उसके बोलने तक नहीं देते, उसको हम जो बोल रहे बस वही राइट है। वहां पर बाबा एक तरफ रह जाता है और फिर मैं आ जाता है, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो ज्ञान सुना रहा हूं, मेरी जो पॉइंट है वह राइट है। मन के इस स्वभाव को जानो, मन का और एक स्वभाव है, जिस चीज के बारे में हम निरंतर चिंतन करते रहते हैं वो धीरे धीरे हमारे जीवनचर्या में आने लगता है। जिस चीज का हम निरंतर चिंतन करते रहते, जैसे कि महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक बार जेल में बंद थे। महात्मा गांधी जी का नियम था कि सुबह सुबह 10 खजूर पानी में भिगोए हुए खाने का। सरदार पटेल को लगा इतना कम नाश्ता, ये भी कोई नाश्ता है, पर उनका नियम था बस ये फूगे हुए जो खजूर है ये खाने का, केवल 10। एक बार सरदार पटेल ने जानबूझकर 5 और डाल दिए उसने, उनको लगा इनको क्या पता चलेगा, उनकी तो शुभ भावना थी। और जब महात्मा गांधी ने देखा तो उनको लगा ये थोड़े ज्यादा है, उन्होंने कहा सरदार पटेल इनको जरा गिनो तो कितने हैं, और उन्होंने गिना और गिनने के बाद उन्होंने कहा 15 है। तो महात्मा गांधी ने कहा 5 ज्यादा है। सरदार पटेल ने कहा 5 से क्या फर्क पड़ता है, 10 और 15 से क्या फर्क पड़ता है। महात्मा गांधी ने आंखें बंद की, 2 मिनट विचार किया और कहा कि सरदार पटेल तुमने मुझे जीवन का एक अमूल्य सूत्र दे दिया, अगर 10 और 15 में फर्क नहीं पड़ता तो 5 और 10 में भी क्या फर्क है, तो आज से मैं 5 ही लूंगा। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे, मैंने तो सोचा था आपका नाश्ता बहुत कम है इसके लिए मैं ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। महात्मा गांधी कहते हैं क्योंकि मैं इस समय निरंतर केवल अपरिग्रह की मन में चिंतन कर रहा हूं। अपरिग्रह अर्थात नॉन पोजेशन, कुछ भी अपने पास नहीं रखना है, किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेना, या अपने जीवन में कम से कम चीजें कैसी हो उसका ही निरंतर चिंतन कर रहा हूं। इसके लिए जो भी चीजें मेरे सामने आती है मैं यही सोचता हूं कि हर चीज कम से कम कैसी हो। 2 दिन पहले की मुरली थी, यहां अगर अच्छा पहनोगे तो उधर कम हो जाएगा। तुम इस समय वनवाह में हो, उसी तरह महादेव देसाई महात्मा गांधी के साथ कभी थे।
उन्होंने देखा, उनका ये भी नियम था नींबू और शहद और गर्म पानी पीने का। एक बार महादेव जी ने थोड़ा ज्यादा ही गर्म पानी कर दिया और वो उबलता हुआ पानी था। कुछ देर 5 मिनट वहां रखा हुआ था, भाप निकल रही थी, हवाओं में जा रही थी, तो उन्होंने कहा ये बहुत गर्म है, 5 मिनट रुक जाओ। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर 5 मिनट रुकना ही था तो इसको पहले तो इतना गर्म क्यों किया और इसके ऊपर कोई ढक्कन क्यों नहीं रखा, कोई उसको कवर क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे जो भाप निकल रही है कीटाणु नष्ट हो रहे हैं, उनको भी दुख हो रहा है। क्योंकि वो कहते हैं मैं उस समय अहिंसा के बारे में सोच रहा था। मनुष्य जो सोचता है वह उसकी जीवनचर्या में धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रकट होने लगता है। जो भी हम सूक्ष्म में सोचते हैं, यदि मन में क्रोध का भाव है तो कहीं ना कहीं प्रकट होगा, यदि काम की वासना अंदर में आंदोलित हो रही है तो कहीं ना कहीं वह भी प्रकट होगी, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी द्वार से वो बाहर निकलेगी, उसे बस अवसर की तलाश है। दूसरा नियम, मन को जो भी समझा दिया जाए वो उसे स्वीकार कर लेता है। चेतन मन और अवचेतन मन, अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन को जो भी सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी बात बार 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 रिपीटेशन करके समझा दो वो उसे स्वीकार कर लेगा। जैसे कि तिब्बत में एक प्रयोग किया गया था हीट योग, हीट योगा अर्थात तो वहां के जो बौद्ध भिक्षु थे उन पर यह प्रयोग किया गया था। वो जो भिक्षु थे बर्फ पर लेटते थे, बर्फ पर निर्वस्त्र, और वैज्ञानिकों ने देखा कि ऐसी ठंडी में बर्फ पर बिना कोई वस्त्र के उनको पसीना आ रहा है, ये कैसे संभव हो रहा है, इतनी सर्द हवाएं चल रही है और बर्फ है और कोई वस्त्र नहीं है, फिर भी इन तपस्वियों और इन योगियों और इन भिक्षुओं को पसीना कैसे आ रहा है। उस पर भी खोज की गई बहुत सारी, हैरान हो गए सारे वैज्ञानिक ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो भिक्षु थे उन्होंने अपने मन को इस तरह समझा दिया था कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है, जिसको सम्मोहन कहते, हिप्नोसिस कहते, मेस्मराइजेशन कहते, जैसे कि धूप बरस रही है, जैसे कि सूर्य निकला हुआ, इस संकल्प को ऑटो सजेशन आत्म सुझाव को अपने अवचेतन तक पहुंचा दिया था, तो बाहर की जो प्रकृति और परिस्थिति थी उसका इस शरीर पर कोई भी असर नहीं था, सब कुछ यहां है मन पर। हम जा रहे हैं, हमें भूख नहीं है, फिर भी टोली सामने देखी और फिर भूख उत्पन्न हुई, हमें लगता है मैं खाऊं, वो कौन सी भूख है, भूख तो थी नहीं, झूठी भूख है, वो भूख तो शरीर है, मन को तो रुचि और स्वाद से लेना देना है। मन को हम जो भी समझाएंगे वो उसे स्वीकार कर लेता है, कुछ भी समझाओ। मन के ये बहुत सारे नियम है, ये कुछ नियमों की हमने चर्चा की, हमारे पास समय कम है, उसके बाद हम सीधा इस टॉपिक पर आते हैं कि मन जीत बनना अर्थात माया जीत बनना। जब तक हम माया जीत नहीं तब तक मन जीत भी नहीं बन सकते। माया जीत बनने में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें माया जीत नहीं बनने देती, या फिर माया किस किस रूप से हमारे जीवन में आती है वर्तमान समय, इसके हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि हमें अपने मन को अधीन नहीं करने देता वो है किसी देहधारी में फंसना। जैसे कुछ दिनों पहले मुरली चली थी, जिसमें शक्ति होगी वही दूसरों को दलदल से बाहर निकाल सकते हैं, जो स्वयं दलदल में फंसा है वो कभी दूसरों को दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते। माया की वो कौन कौन सी दलदल है, माया के वो कौन कौन से चक्रव्यूह है, जिसका गायन उधर महाभारत में अभिमन्यु का दिखाया है कि वो 6 द्वार को तो जानता था पार करना, पर 7वें द्वार को नहीं जानता था। तो ऐसे कुछ माया के चक्रव्यूह है या माया की दलदल है जिसमें हम फंसते हैं और मन जीत नहीं बन पाते। सबसे पहला उसमें है किसी भी देहधारी में फंसना, किसी के बाबा जिसको कहते हैं नाम और रूप,
ब्राह्मण आत्मा इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। पिछले संडे बाबा ने कहा था, तुम पहले पहले पत्ते हो इस कल्प वृक्ष के, तुम कलम हो इस वृक्ष की, आधार मूर्त आत्माएं हो, अमूल्य आत्माएं हो, ब्राह्मण आत्माएं हो, तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। यदि हम आत्माएं ही आत्मिक स्वरूप में ना रहकर और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास न कर किसी की देह में हम फंसे, बाबा ने समर्पण की बहुत सूक्ष्म परिभाषा कभी दी है, 1 नवंबर 1970 की मुरली है, याद करने की युक्तियां। समर्पण अर्थात इस देह पर हमारा भी अधिकार समाप्त और किसी और का भी अधिकार समाप्त। ये देह हमारी भी नहीं है तो किसी और की भी नहीं है, केवल उसकी है। ये समर्पण की एक सूक्ष्म परिभाषा कभी बाबा ने दी है। अपने मन की वासनाओं पर, अपनी मन की वासनाओं की वेदी पर इस देह को कब तक बलि चढ़ाते रहोगे? अपने मन की वासनाओं की वेदी पर इस देह को, इस देह की कब तक बलि चढ़ाते रहोगे? देह में फंसना, देह की तरफ आकर्षित होना, देह को देखना, देह अच्छा। सन्यासियों के लिए कभी नियम बनाए गए थे, यदि किसी सन्यासी को कोई स्त्री दिख जाए एक बार, वो स्वाभाविक है, दूसरी बार उसी स्त्री को देखने की इच्छा होना, ये इच्छा है, तीसरी बार उसी को देखने की फिर इच्छा होना, ये वासना है। ऐसे कड़े नियम बनाए गए थे बाबा ने। कभी 69 की मुरली में कहा है, यह देह क्या है? विष है। किसको देखो? केवल मणि को देखो। सांप में विष होता है और यह विष अपना कार्य करेगा। देह में फंसना, जो चित्त आज की मुरली में काम विकार से क्या होगा, भारत खास और सारी दुनिया काला बन चुकी है। सागर के बच्चे जल मरे हैं, सारी दुनिया पर इस समय आज राहु की दशा है। वृक्षपति बाप आए हैं सब पर बृहस्पति की दशा करने, वृक्षपति की दशा करने। देदान तो छोटे ग्रहण, सूर्य का ग्रहण लगा हुआ है, तो सबसे पहला ये बंधन है। जब तक ये मन में है, जब तक पवित्रता की संपूर्ण धारणा हमारे मन में नहीं है, द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल। जिस मन में अपवित्रता के संकल्प अब भी उत्पन्न हो रहे हैं, वो कैसे वश में आ सकता है? कल की मुरली जो आने वाली है, कन्याओं से मुलाकात, कुमारियों से मुलाकात। बाबा ने कुमारियों की विशेषता सुनाई है, कुमारी अर्थात जिसमें संकल्प में भी अपवित्रता नहीं, क्योंकि अपवित्रता का अंश भी रहना अर्थात खंडित मूर्ति, और खंडित मूर्ति की कभी भी पूजा हो नहीं सकती। पहला। दूसरा है साधन। साधन में तीन मुख्य है, कौन कौन से सबको पता है। ये साधन ऐसे हैं कि इससे बहुत बड़ी सेवाएं भी हो रही है, ज्ञान और योग के बहुत बड़े शस्त्र भी है, परंतु माया के इस जगत में, माया के जगत में वो माया है, टीवी मोबाइल और इंटरनेट। कहां से कहां पहुंच जाता है व्यक्ति। कुछ समय पहले हॉस्पिटल में जयंती बहन जी ने एक क्लास कराई थी, जिसमें किसी भाई की एक चर्चा की थी कि वो भाई एक बाबा का अनन्य रतन था, बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं का सूत्रपात उसने किया था, और अचानक कुछ समय से उसका ज्ञान योग में रस कम हो गया, कुछ समय से उसकी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा, कुछ समय से मुरली में आना बंद हो गया। क्या हो रहा है पूछो तो वो बताते नहीं था। सोचता था, कहता था कि बाबा ने मेरे, शायद बाबा अभी मेरे से कोई सेवा नहीं कराना चाहता था, ऐसा वो कहता था। फिर जब बहन जी ने किसी और दूसरी बहन को कहा कि इसको पूछो क्या हो रहा है, पता चला, उसने सारा खोल के बताया कि लंबा लंबा समय रात रात भर जो नहीं देखना चाहिए वह देखता रहा, और धीरे धीरे मन को प्रभावित, उसका मन प्रभावित हुआ, और धीरे धीरे ज्ञान और योग से इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि देह आकर्षित करने लगा। वही दमन,
तो टीवी, मोबाइल और इंटरनेट माया के इस जगत की ये माया के जगत के अंदर की ये माया है। हमारा समय केवल ज्ञान और योग और सेवा के लिए, इन चीजों के लिए नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक और इस तरह के कितने ही सोशल नेटवर्किंग जिसमें हम फंसे हुए हैं, इससे स्वयं को बाहर निकालना है। यहां जब आए हो तो यहां इस पवित्र भूमि पर जो संकल्प करके जाओगे, इस भूमि को साधारण न समझते हुए, महानतम भूमि संसार की यह भूमि है, सभी ब्रह्मा बाबा के और मम्मा के और दादियों के वाइब्रेशंस यहां पर है, सभी तपस्वी आत्माओं के वाइब्रेशंस यहां पर है। इस महान भूमि में संकल्प करके जाना है कि इस तरह की माया में अगर हम फंसे हैं तो स्वयं को उससे बाहर निकालेंगे। उसके बाद तीसरा, व्यर्थ, कहां क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। बाइबल में एक उदाहरण है कि जीसस क्राइस्ट जब फिर से वापस आता है 3 दिन के बाद, तो उसका एक शिष्य होता है जॉन। वो कहता है, अपने बारे में पहले पूछता है कि आपका मेरे विषय में क्या मत है, आप क्या कहते हो, मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, इस तरह से चर्चा करता है। और फिर कहता है कि आपका उसके विषय में क्या मत है, पीटर के विषय में जो पीछे आ रहा है। तो जीसस क्राइस्ट उससे कहता है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें उससे क्या करना है, वो मेरा और उसका है, तुम अपना देखो। व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें उससे क्या लेना देना। ज्ञान योग के इस मार्ग में बाबा ने कहा है कई सारे साइड सीन आएंगे, हमें कहीं भी अटकना फंसना नहीं है। जो जो कर रहा है उसे करने दो, हमें औरों को देखना ही नहीं है, जिसको जो करना है करने दो। हम यहां पर भी जब आते, यहां आने के बाद भी आत्मा एक दूसरे को देखने लगती है। हम ये भूल जाते हैं कि जिनको हम देख रहे हैं वो हमसे कई गुना आगे है, हमें किसी और को नहीं देखना है। तो व्यर्थ, हमारे जीवन में जहां जहां व्यर्थ है, व्यर्थ की परिभाषा जिसका ज्ञान और योग से कोई संबंध नहीं है, वो सभी व्यर्थ है। उसके बाद में चौथा कारण, जो कि हमें मन जीत नहीं बनने देता, इच्छाएं। जैसा शुरुआत में वो कहानी सुनाई जिसमें वो किसान भाग रहा है और हाँफ रहा है, जीवन की इस दौड़ में हम भी कई ऐसी भाग तो नहीं रहे इच्छाओं के पीछे। इच्छाएं दुष्पूर है, कभी न तृप्त होने वाली है, कभी संतुष्ट नहीं करने वाली है। उसके बाद है मेरा, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। बाबा और आत्मा ये दो छोड़कर जो कुछ मैं और अटैच करोगे वो सब कुछ माया है। धन संपत्ति सब कुछ, आज की मुरली में बाबा ने पुरुषार्थ शब्द का बहुत सुंदर अर्थ बताया है, यथार्थ पुरुषार्थ, अर्थात आत्मा समझकर चलना। आत्मा समझकर चलोगे तो मंजिल सामने होगी, हिम्मत और उत्साह रहेगा, रुकेंगे नहीं। पर इसी को ही ढाल बना देते हैं, सुंदर पॉइंट बाबा ने कही है मुरली में। तो ये कुछ कारण है। उसके बाद में अब हम क्या करें जिससे कि हम मन जीत बने। सबसे पहला उसमें एक जो है वो बाबा ने हमेशा जैसे कहा है, मन अगर घोड़ा है तो इसको कौन सी लगाम चाहिए, श्रीमत की लगाम। श्रीमत, 2-3 दिन पहले एक वरदान था जहां पर प्रवृत्ति वाले बाबा से पूछ रहे, जो संबंधी है वो, उनका संग अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ संग नहीं मिल रहा है। बाबा ने उसमें 4 उत्तर दिए थे। सबसे पहला उत्तर था श्रीमत, श्रेष्ठ मत के आधार से ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अचल रहना, श्रीमत। तो श्रीमत की लगाम को टाइट करो। क्या क्या श्रीमत है, बाबा ने अमृत वेले से लेकर तो रात तक सारी श्रीमत हमें दे दी है, हमें पता नहीं, ये दूसरी बात है, क्योंकि हम उसका अध्ययन नहीं कर रहे। इसके लिए श्रीमत हर चीज के लिए बाबा ने दिए, वो क्या क्या श्रीमत है, चलने के लिए, उठने के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए,
सोने के लिए, सोने से पहले क्या करना है उसके लिए, अमृत वेले के लिए, हर बात के लिए श्रीमत दी है। तो उस वरदान में बाबा ने पहली बात कही थी मत, दूसरा कहा था स्वयं के स्वतो प्रधान पाठ में स्थित रहना, तीसरा कहा था दूसरों को साक्षियों पर देखना, और चौथा कहा था बाप के श्रेष्ठ संग में रहना। चार बातें बताई थी उसमें। तो पहली बात है मन को जीतने के लिए है श्रीमत, दूसरा है जो अति सूक्ष्म और अच्छी बात है वो है चिंतन, मुरली का चिंतन। केवल गए बैठे मुरली सुनी और आ गए और कुछ पॉइंट्स लिख लिए, बाबा ने किसी मुरली में कहा यह है पुरानी चाल, चिंतन अर्थात नशा जिससे चढ़ जाए वो अपनी घोट तो नशा चढ़े, हमें स्वयं ही चिंतन करना पड़ेगा। कब तक दूसरे का उधार वाला चिंतन हमें चलाएगा, एक एक पॉइंट को लेकर उसकी गहराई में जाना, एक एक पॉइंट लेना, उसके ऊपर लिखना, मुरली से पॉइंट्स निकालना और फिर उसका विस्तार करना, और चिंतन अमृत वेले के बाद करना बजाय इसके कि जाकर सो गए। वही सबसे श्रेष्ठ समय है अमृत वेले के बाद का, जब हमारा मन बहुत सतोप्रधान अवस्था में होता है तब हम चिंतन करें, श्रेष्ठ चिंतन करें, छत पर करें, प्रकृति के सानिध्य में जाकर करें और अपने मन को ऊंचा उठाए और उस नशे में स्थित करें। बाबा ने मुरलियों में तीन बातें हमेशा कही है, सबसे पहली कही है स्वयं स्वयं से बात करना, दूसरा बाबा से बात करना, तीसरा ज्ञान का चिंतन करना। जो गाय उगारती नहीं है उसे बाबा ने क्या कहा है, बीमार। जो बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते गोया बीमार है। इसके लिए चिंतन करना, स्व से बात करना, स्वयं से बात करना और तीसरा बाबा से बात करना, ये तीन कार्यों में सारे दिन हमें बिजी रहना है। ये बात हुई। उसके बाद में दूसरा एक विधि जो है चिंतन मन जीत की, वो है श्रेष्ठ संग करना। श्रेष्ठ संग, सर्वश्रेष्ठ संग तो इस संसार में एक परमात्मा का ही है, उसके अलावा जब हम यहां आते जब सेंटर पर जाते वह भी एक श्रेष्ठ संघ है, परंतु मैं जिस संघ की बात कर रहा हूं वो एक और प्रकार का संघ है। वो है एक ऐसा हम ग्रुप बनाए जिसमें हम बैठ के ज्ञान की रोज चर्चा करें, जो रोज सुबह की जो मुरली है उस पर चर्चा करें, शाम को बैठकर रात का जो समय 8:30 से 9:30 या 10 बजे तक का, 9:30 से आधा घंटा या 1 घंटा जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर। तो ये एक दूसरी विधि है मन को जीतने की, श्रेष्ठ संग। दूसरी एक विधि है मन जीत बनने की, वो है वैराग। जब तक हृदय में वैराग ना हो तब तक इस मन को जीता नहीं जा सकता। जो कि हमने गीता की बात कही, जो कि अर्जुन पूछ रहा है चंचलम मनम कृष्ण, उत्तर में भगवान उवाच है वैराग्येन चक्रियते, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चक्रियते। अभ्यास और वैराग ये दो चीजों से मन को वश में किया जा सकता है। तो वैराग एक बहुत ही, और जिसकी चर्चा आज बहुत थोड़ी कम हो गई है। मुरलियों में हम विनाश की बातें सुनते हैं, परंतु विनाश की बातें सुन सुनकर उसका भी असर होना थोड़ा कम हो गया है। परंतु जब तक हृदय में वैराग ना हो इस संसार के प्रति और इस संसार की के साधनों के प्रति, संसार के संबंधों के प्रति, तब तक हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। गीता में और एक श्लोक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। ये सभी चीजों का चिंतन करना है, पहला जन्म का, मृत्यु का, जरा का और व्याधि का। मृत्यु का चिंतन मनुष्य बहुत कम करता है। दिखाया है जब महात्मा बुद्ध के पास कोई भी व्यक्ति संन्यस्त होने आता था तो उसको वो कहते थे जाकर शमशान घाट में 3 मास बिताओ, सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही चीज देखो, चिताओं को जलते हुए। कैसे बचा पाओगे अपने मन को वैराग से? आना ही है, उन लपटों को देख के मन में वैराग आएगा। मृत्यु का चिंतन, स्वयं की मृत्यु और स्वजनों की मृत्यु। बीमारी का चिंतन, एक से बढ़कर एक बीमारी आज हो रही है, कौन छूटा है इससे?
फिर भी इस देह में कितनी आसक्ति, फिर भी इस देह से कितना लगाव, कहां है वो सौंदर्य जब यह देह रोगी हो जाता है, रुग्ण बन जाता है, बुढ़ापा। हॉस्पिटल, संसार के किसी भी जनरल हॉस्पिटल में जाइए और जनरल वार्ड का एक चक्कर लगाइए, वहां पर जो बूढ़ों की अवस्था है वो देखो। यहां पर ही हम देखते हैं कितने ही बूढ़ों को भर्ती कर कर जाते हैं और फिर कभी देखने नहीं आते, पूछता भी नहीं कोई। यही संसार का अटल सत्य है। तो जब तक हम इनका चिंतन नहीं करेंगे, मन में वह वैराग का भाव उत्पन्न नहीं होगा। और एक विधि है सुमान, सुमान का अभ्यास। उठते ही स्वयं को दो बार जगाना, एक तो हम स्वयं जगते हैं, दूसरा सुमान से स्वयं को जगाना है, अपने अवचेतन को सुमान से जगाना है। मैं कौन, किसकी संतान, क्या मुझे मिला है। कल की मुरली में है भाग्यशाली सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली पद्मा, पदम भाग्यशाली, इन चारों में से मैं कौन। खजाने सारे बाबा दे चुके हैं, चाबी भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं है, चौकीदार भी नहीं है, क्यों भी लगी हुई नहीं है, खुले भंडारे हैं, जो चाहे जितना चाहे ले सकता है, फिर भी अंतर होता है। तो बाबा ने सब कुछ हमें दे दिया है, उसका स्मरण करना, प्राप्तियों की लिस्ट, सुमान की लिस्ट, भाग्य की लिस्ट, अपने आप को चिंतन देना है। उठते ही तो सुमान, और अंतिम कहके इस चर्चा को पूरा करेंगे, वह है ईश्वरीय प्रेम, परमात्मा प्रेम या परमात्मा से योग। एक तो आत्मा सुमान से शक्तिशाली होती है और दूसरी आत्मा योग से। हमारा योग का जो चार्ट है हर दिन बढ़ता जाए, कल जो था उससे आज आगे हो, और उसमें भी जो बैठकर योग है वो भी बढ़ता जाए। अगर अभी एक घंटा है तो वो दो घंटा हो जाए। ऐसा हम क्या क्या करें कि जिससे बैठ के योग भी हमारा शक्तिशाली हो जाए, तो हम मन जीत बन सकेंगे। तो माया जीत बनना अर्थात ही मन जीत बनना, और जो मन जीत है वही जगत जीत है। इतना कहकर इस चर्चा को हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति। सचिन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शेयरिंग किया।